नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 का हल। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें टोटल इसमें 5 भाग दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये संख्याएं हमें दी गई हैं ये सारी पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे अगर इन सभी में भाग करें हम तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें संख्या दिया गया है 81। अब 81 पूर्ण घन नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको अगर इसमें भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 81 का हम यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले 3 के पहाड़े से जाएगा 27 बार में, और ये हमारा 3 के पहाड़े से 9 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 1 बार में। अब ये जो गुणनखंड है इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा 3 जो है ये 4 बार है, तो इसको हमने लिख लिया इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3-3 के समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके 3 का ये एक समूह तो बन जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक समूह बन गया 3 का, लेकिन यहाँ पर 3 एक अकेला बच गया है ना। तो इसलिए यही वो संख्या है जिससे अगर हम इसमें भाग करें 81 में तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा 3 बच गया है, इसलिए अगर हम 81 में से 3 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो अगर 3 से 81 में भाग करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, और 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, हमारा इसमें आंसर होगा 3, यानी कि 3 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे अगर हम 81 में भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसका दूसरा भाग करते हैं। अगर समझ में नहीं आया अभी भी अच्छे से, तो अब जब दूसरा भाग करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे भाग में हमें संख्या दिया गया है 128। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 128 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 2 के पहाड़े से कितनी बार में, 64 बार में। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार में, 32 बार में। ये 2 के पहाड़े से 16 बार में। ये हमारा 8 बार में। ये 2 के पहाड़े से 4 बार में, और इस तरह से ये 2 बार में, और ये हमारा 1 बार में, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा इसमें देखिए 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। तो यहाँ पर हम इसको 7 बार इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिख लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 3-3 के समूह बनाएंगे। तो ये एक समूह बन गया 3 का, ये देखिए दूसरा भी बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 अकेला बच गया है ना। इसकी तरह पे जैसे यहाँ पे 3 बचा था अकेला, वैसे यहाँ पर 2 अकेला बच गया है। तो यानी कि हमारा संख्या क्या है, वो 2 है। तो इस तरह से अगर हम 128 में हम करेंगे 2 से भाग तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा 2 से करने पे 128 में भाग, 64। अब 64 एक पूर्ण घन है। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी वो जिससे अगर 128 में भाग करें तो पूर्ण घन मिलेगा, तो वो ये है, यानी कि 2, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा दूसरा भाग। अब इसका करते हैं हम तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 135। तो यहाँ पर 135 के सबसे पहले हम यहाँ से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा कितने के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से। कितनी बार में, 45 बार में। और ये हमारा 3 के पहाड़े से 15 बार में। ये 3 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में, ठीक है। अब इनको यहाँ पर लिख लेंगे हम। 3 हमारा है 3 बार, और इसके अलावा 5 हमारा है 1 बार। तो यहाँ पर देखो, ये तो साफ दिख रहा है 3 का एक समूह बन गया, लेकिन 5 अकेला बच गया है। तो इसलिए हमारा छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो 5 है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले 135 में 5 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या कितनी मिलेगी, 27। अब इसके बाद इसमें हम आंसर हमारा लिखेंगे कितना है, वो 5 है संख्या, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा भाग। अब चलिए इसका चौथा भाग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 192।
अब हमें सबसे पहले 192 का यहाँ से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये हम यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बार में जाएगा, ये 2 के पहाड़े से 96 बार में, ये 2 के पहाड़े से हमारा जाएगा 48 बार में, ये 2 के पहाड़े से 24 बार में, ये हमारा 2 के पहाड़े से 12 बार में, ये 6 बार में, और यहाँ से ये 2 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 एक बार, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 हमारा है यहाँ पे 6 बार, तो इसको यहाँ से हमने ये 6 बार लिख लिया है, और 3 एक बार। तो इस तरह से यहाँ पर 2 का तो एक समूह बन गया, ये एक और बन जाएगा ये, लेकिन 3 अकेला बच गया है ना। तो इस तरह से हमारा कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, वो 3 है, जिससे अगर 192 में भाग करें हम तो हमें एक पूर्ण घन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो 192 में अगर 3 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64। ठीक है, तो यानी कि इसमें अगर आंसर की बात करें हम तो आंसर क्या है, वो 3 है। तो ये हमारा हो गया चौथे भाग का हल। अब कर लेते हैं इसका अंतिम भाग। तो अंतिम भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 704। तो यहाँ पर 704 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 704 का कर लेते हैं हम, ये 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 352 बार में, ये 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 176, फिर ये 2 के पहाड़े से कितनी बार में, 88 बार में, और ये 2 के पहाड़े से हमारा 44 बार में, ये 2 के पहाड़े से 22 बार में, और फिर ये हमारा 2 के पहाड़े से 11 बार में, और ये 1 बार में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 11 एक बार, तो इसको हम यहाँ से लिख लेंगे। 2 हमारा है कितनी बार, 6 बार, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे, और 11 है एक बार। तो देखिए यहाँ पे कि हमारा ये 2 का एक समूह बन गया, एक और समूह बन गया, लेकिन 11 अकेला बच गया है, इसलिए हमारा इसमें 11 आंसर हो जाएगा। यानी कि 704 में 11 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन कितना मिलेगा, 64। ठीक है, अब हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये यानी कि 11। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर जो हमें घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं वो कितनी कितनी दे रखी है, एक है 5 सेंटीमीटर, इसके अलावा है 2 सेंटीमीटर और इसके अलावा 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या दिया गया है, घनाभ की भुजाएं। अब इस माप के भुजाओं वाले घनाभों की हमें कितनी जरूरत पड़ेगी जिससे हम एक घन बना लें? ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो समूह बनेगा तीन तीन का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो तीन तीन का समूह यहाँ पर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 3 का समूह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 5 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम एक 5 लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2 एक बार है, तो यहाँ पर तीन तीन के समूह बनाने के लिए 2 की और कितनी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें 2 एक बार है, तो 2 और 2 बार जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से अब हम अगर करें, इसमें देखिए 5 भी हमारा 3 बार हो गया और 2 भी 3 बार हो गया, तो इस तरह से दोनों के यहाँ पर समूह बन गए तीन तीन के। अब इनका गुणा कर देंगे तो 5 × 10, 10 × 20, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 20। अब जो ये है यही हमारा आंसर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें 20 घनाभों की जरूरत पड़ेगी एक घन बनाने के लिए। इसलिए इसका हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न नंबर 3 और 4 में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।